कविता का शीर्षक है घर बाहर और ये मेरे दूसरे कविता संग्रह बहस पार की लंबी धूप में संकलित है। घर बाहर इन दिनों कहीं भी बाहर जाने पर मेरा घर मुझे दिखवाया जाता था उनकी नज़रों से, सामने वाले की खिड़की से, बगल वाले की भी, नीचे वाले की, सिर्फ दरवाजे से दी गई गवाही से। उसका वास्ता सिर्फ आवाज़ों से था, शायद बहुत सी बहुत तेज़ आवाज़ें थी हमारे घर की, आवाज़ें ऊपर वालों की भी थी, कुछ तो अनायास और आकस्मिक होंगी, कैसे नहीं होंगी। ये फर्नीचर खिसकाने की आवाज़, जैसे किसी को फर्नीचर खिसकाने की बहुत ज़रूरत हो, जैसे कि मेरी नानी टेबल खिसका कर ही चलती थी, लेकिन ये ज़रूरत कुछ ऐसे उत्पन्न हो कि ताल बिठाए आपकी दिनचर्या से उन सब बातों से भी जो बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, और जिनका ऐसा कोई शोर नहीं, बस कटोरियों के थाली में रखने, चम्मच बटोरने की आवाज़ है, और उसके तारतम्य में बहुत कुछ इर्द गिर्द की, बहुत कुछ है बर्तन सजाने, बस धोकर यथास्थान रख देने की आवाज़ में। पुरानी होटलबाजी के किस्से हैं, न की गई होटलबाजी के भी। दरअसल कुछ चीख चिल्लाहटें मेरे घर के तोड़े जाने के बाद की उपज है, टूटे हुए घर की बहुत सी दरारें हैं, फिलहाल यहाँ गीली मिट्टी के साथ साथ, ईंट के बुरादे भी सीमेंट की बोरियों के निशान हैं। यहाँ वहाँ उन्हें उठाने के भी कुछ हमारे हाथों, कुछ हमारे कंधों पर, और कुछ उन लोगों की थकान है हमारे चेहरों पर जो सैलानियों को पीठ पर बिठाए घाटी दिखाते हैं, और कुछ उन लोगों की परेशानी जिनका तबादला एक ऐसे शहर में हो गया हो जहाँ सुबह शाम बारिश होती है, दोपहर को भी या हर शाम आधी आती हो, हमारे घर की बातें हमें बाहर सुनवाई जाती थी, इस तरह जैसे और लोगों के घरों से टकरा कर लौट रही है ये रोटी के कच्चे होने की चिकचिक, ये केवल दो रोटी खाने पर भी कच्चे होने की चिकचिक, ये मेरी ही आवाज़ की तलखी, ये विदेशी कॉन्फ्रेंस में कच्चे चावल की याद, ये भोजन के बिल्कुल ही न पचने देने की राजनीति, ये मेरी ही आवाज़ की बेबस तलखी, बाहर की बातों का हवाला। हम क्या खा रहे हैं फिलहाल? हम किसी और के हिस्से का पैसा नहीं खा रहे, न देश का, न घूस, न हड़ा, हम तो किसी का दिमाग तक नहीं खा रहे। एक सेकंड, एक बात मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ, और वो ये
कि ये हमारे घर से आने वाली आवाज़ों के साथ साथ पड़ोस की आवाज़ों की बात तो है ही, इसमें और भी बहुत सी बातें हैं। एक दिलचस्प वाक्य कि आज ही सुबह ऐसा हुआ कि मेरे पास एक फ़ोन जो तय समय पर मिलने का था वो आया कि भाई आप कितने बजे आज मिलेंगी, पहले नहीं है ना, क्यों पहले नहीं इत्यादि इत्यादि, और एन वो फ़ोन आया और एन इधर हॉकर की आवाज़ आई ए सब्ज़ी करके, तो मतलब काफ़ी चकित करने वाली वो बात रही। बहरहाल ये एक छोटा सा वाक्य है, इसमें महानगरों की भी बातें हैं और तमाम बातें। मेरी एक कहानी भी है आवाज़ें आस पड़ोस पे, और ये हमारा एक देशी फिनोमिनन है और नॉइज़ पोल्यूशन बहुत बड़ी बात है। बहरहाल कविता आशा है आपको पसंद आएगी, शुक्रिया।